टीकमगढ़ जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अमरपुरा गांव में संक्रमित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं आधा सैकड़ा से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीमार लोगों में अधिकतर मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर लोगों को प्राथमिक उपचार दे रही है, साथ ही गंभीर बीमारी मरीज को टीकमगढ़ जिला अस्पताल एवं बड़ा गांव उप स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों का आरोप है पीएचई विभाग की अनदेखी के चलते ये सब हुआ है, तो वहीं ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने भी समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पूरे गांव को ये सब भुगतना पड़ा। डॉक्टर का कहना है कि गांव में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है और बीमार व्यक्तियों को इलाज दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके कारण से मातम छा गया है उसका जिम्मेदार कौन है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। अपने यहाँ लगभग 70 से 80 लोग बीमार हैं उल्टी दस्त से, तो इन लोगों का समझ में आया भी कि दूषित पानी की वजह से उल्टी दस्त हो गए हैं। दूषित पानी इसलिए है क्योंकि नालियों में से जो पेयजल के पाइप निकले हैं उसमें कहीं कहीं लीकेज हो रहा है, तो वो गंदा पानी, नाली का गंदा पानी उसमें जा रहा है और वो लोगों के घर में आता है, तो वो लोग पी रहे हैं, उसी से बीमार हुए हैं। लगभग 70 से 80 लोग हैं बीमार उल्टी दस्त से। मौत अपने यहाँ 3 हुई है, एक हुई थी 15 तारीख को, 2 हुई थी 14 तारीख को। स्थिति फिलहाल अभी कैसी है? स्थिति फिलहाल तो अभी कंट्रोल में है, हमारे यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इनको मतलब जल्दी जल्दी ठीक किया जाए। रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो गंभीर मरीज हैं उनको हम CHC बड़ागांव रेफर कर रहे हैं, और जो अति गंभीर है उनको शायद वो बड़ागांव से टीकमगढ़ जा रहे हैं। PHC की टीम नहीं आई यहाँ पर? PHC की टीम अभी कल आई थी, तो उन लोगों ने बोला कि दिखवाते हैं उस पाइपलाइन को जहाँ भी दिक्कत है। शर्मा साहब, कितने लोग बीमार हैं, कैसे बीमार पड़े? लगभग अब जो अस्पताल का रिकॉर्ड बता रहा है वो 70-80 लोग बीमार हैं, और ये बीमार पड़े दूषित पानी से। जो टंकी का पानी आता है वो पाइपलाइन निकली है नालियों में से, वो कहीं कहीं लीक हो गई तो नालियों का पानी उनमें भटो, ये वजह से लोग बीमार हैं। कितने लोगों की मौत हो गई अब तक? अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है दूषित पानी पीने से। दूषित पानी पीने से। तो टंकी को साफ सफाई नहीं की जाती? टंकी की साफ सफाई की जाती है, जो लाइन डली है नालियों में से वो दूषित पानी आ जाता है। कैसे दूषित पानी पहुंच गया लाइन? भाई लाइन लीक है, कहीं कहीं लीक होने से वो नाली का पानी उसमें पड़ जाता है, और जब वो बोर से मोटर चालू करते हैं तो वो पानी आ जाता है। स्वास्थ्य विभाग और PHC की टीम आई क्या यहाँ पे? हाँ आई थी ना, कल आई थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और PHC की टीम भी आई थी। क्या कर रही वो स्वास्थ्य विभाग वाले? तो अपना काम कर रहे, देख रहे, वो केवल टंकी बंद करवाने का निर्देश दे गए थे PHC वाले कि टंकी बंद कर रहे हैं आप लोग, और जो पाइपलाइन जल्दी से ठीक करवा लें इसको, इसके बाद चालू करें इसको। अच्छा यादव जी, ये बताएं कि गांव में कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कारण है? एक गांव में रोड पे भी गड्ढा है और उस पे भी पानी काफ़ी 1-1 फुट भरा हुआ है, उससे भी गंदगी से भी आदमी बीमार हो रहा है। और जो PHC विभाग वालों ने जो नल योजना चलाई है वो नाली से पाइप डाल दिए हैं, और नाली बंद हो, टंकी से पानी बंद होता है और चालू होता है तो उस नाली का गंदा पानी उसमें जा रहा है। जितने लोग पानी पीते हैं उतने ही बीमार हैं। हमारे घर में एक सदस्य ने पानी पिया है, उसका रेगुलर 15 दिन, वो भी गंभीर रूप से बीमार। अच्छा, गांव में कितने लोगों की मौत हो गई? गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और कुछ सागर भी पहुंचे रेफर हो गए, कुछ टीकमगढ़, कुछ ग्वालियर के लिए भी रेफर हो रहे हैं। अच्छा जी, बताएं कि बीमार कितने लोग हैं अभी? अभी कम से कम होंगे यहाँ पर 70 से ऊपर बीमार लोग, बच्चे और 30-40 साल की आयु के लोग। गांव में स्वास्थ्य विभाग और PHC की टीम आई है? हाँ जी आई है। क्या करके गई? वो करके नाली बंद, जे टंकी बंद कीजिए आप 5 दिन के लिए, अगर इस पानी से बीमार होता है, बीमारी में सुधार होगा तो फिर चलाना नहीं, अगर सुधार नहीं होगा तो चला देना। और PHC वाले दवा और घर देख भी गए, दवाई गोली भी दे गए, लेकिन उससे भी सुधार नहीं हो रहा है। लगभग कितने लोग 70 बीमार हो गए अभी तो, और कितने लोग हो गए होंगे जो बाहर भी पहुंच गए? तो शौक का आंकड़ा है? हाँ शौक का आंकड़ा है, वो कुछ लेते जा रहे हैं, चले जा रहे, गाड़ियां दौड़ रही हैं, वे अस्पताल को जा रही हैं। लगातार बीमार हो रहे हैं मोहल्ले बाई मोहल्ले, 3 की मृत्यु हो गई है। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।